press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi friends, welcome back to Sangeeta's Kitchen. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करारी मसाले वाली अरबी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। फ्रेंड्स, अरबी बनाने के लिए मैं आपको एक दो टिप्स देना चाहूँगी। एक तो आप अरबी खरीदते हुए ध्यान में रखें कि सिंगल पीस ही हो, उसके साइड में जो अरबी निकली होती है छोटे पीसेस में वैसे पीसेस ना हो। और अरबी बॉईल करने के लिए आप एक विसल के बाद गैस को स्लो करके और एक और विसल दिलाएंगे। और जब भी आपको अरबी बनानी हो तो अरबी को बॉईल करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से ये बेनिफिट होता है कि अरबी की स्टिकीनेस खत्म हो जाती है। तो लेट्स बिगिन द रेसिपी। ये मैंने बॉइल्ड अरबी ली है, इसको छील के अब मैं इसके दो हाफ करके इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको छील कर इसको सेंटर से हाफ कर लेंगे ऐसे। सब अरबी के हम दो दो पीसेस कर लेंगे। ऑयल गरम है, अब हम अरबी को हम ऐसे प्रेस करेंगे एक पेपर नैपकिन पे रख के, और प्रेस करके इसको डीप फ्राई करेंगे। ब्राउन हो गई है, इसको निकाल देंगे। हमको इसको गोल्डन कलर तक फ्राई करना है और इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पर नहीं करेंगे। अरबी फ्राई हो गई है, अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए पहले 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड अनियन, इसको पिंक होने तक फ्राई करेंगे। अनियन फ्राई हो गया, अब ऐड करेंगे चॉप टोमेटो। चॉप्ड हरी मिर्च, साथ ही ऐड कर देंगे सॉल्ट। नमक टमाटर के साथ डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। लाल मिर्च, हल्दी, सबको अच्छे से मिक्स करके फ्लेम स्लो करके ढक के रख देंगे टमाटर गलने तक। अब ऐड करेंगे अजवाइन। अरबी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। पिसा धनिया, फिर एक बार इसको अच्छे से मिक्स करके स्लो गैस पर ढककर रख देंगे। 2 मिनट तक पकने देंगे ग्रेवी को। मसाला अच्छे से भुन गया, अब हम इसमें अरबी में साथ ही हम ऐड करेंगे अमचूर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी मसालेदार करारी अरबी रेडी है, आइए इसको सर्व करते हैं। थोड़ा सा हरे धनिए से इसको गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए।